महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अदानी समूह के शेयरों में आई गिरावट और उससे निवेशकों को हुए हजारों करोड़ रुपयों के नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। नाना पटोले ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा से ही गौतम अदानी पर मेहरबान रहे हैं और इसी मेहरबानी के चलते आज देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा डूब गया है। इसके साथ ही नाना पटोले ने अदानी समूह के इस घोटाले की SIT द्वारा जांच किए जाने की मांग भी की है। नाना पटोले का कहना है कि अब जबकि अदानी समूह का घोटाला सामने आ गया है तो फिर ऐसे हालात में धारावी पुनर्विकास प्रकल्प का काम अदानी समूह की कंपनी को नहीं दिया जाना चाहिए। विधान परिषद चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा नासिक को लेकर है। हालांकि नासिक विधान परिषद चुनाव में असली लड़ाई सत्यजीत तांबे और शुभांगी पाटिल के बीच है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश पवार के बयान से कई सियासी मायने निकल रहे हैं। कांग्रेस से निलंबन के बाद सत्यजीत तांबे ने भी BJP से समर्थन की मांग की है, लेकिन BJP उन्हें समर्थन देगी या नहीं इसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे की जनता को ट्रैफिक जाम की समस्याओं से जल्द छुटकारा दिलाए जाने की बात कही है। पुणे में एक दीक्षांत समारोह के दौरान जानकारी देते हुए गडकरी ने बताया कि शहर में मल्टीपल फ्लाईओवर्स का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि पुणे के जिन इलाकों में अक्सर ट्रैफिक जाम होता है वहां मल्टीपल फ्लाईओवर्स के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है और जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा इस्तीफा दिए जाने की पेशकश का स्वागत किया है। शरद पवार ने कहा है कि अभी तो सिर्फ कोश्यारी को हटाए जाने की चर्चा चल रही है, लेकिन ये बात तय है कि कोश्यारी के महाराष्ट्र से जाने पर उन्हें खुशी होगी। शरद पवार के एक बयान ने कांग्रेस के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। पवार ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कुछ राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सीधी टक्कर कांग्रेस के साथ है। इसी वजह से उन पार्टियों को BJP के खिलाफ कांग्रेस का साथ देने में दुविधा हो रही है। मिसाल के तौर पर शरद पवार ने कहा कि केरल में वामपंथ NCP और अन्य ने मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन वहां हमारी असली लड़ाई कांग्रेस से है। शिवसेना नेता संजय राउत ने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई उनको पुरस्कार दिया गया, लेकिन अयोध्या के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले बाला साहेब को अब तक कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। संजय राउत ने वीर सावरकर और बाल ठाकरे को भारत रत्न न दिए जाने पर केंद्र सरकार की आलोचना भी की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अनिल देशमुख ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर कपास का भाव 10,000 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की है। देशमुख ने अपने पत्र में लिखा है कि मौजूदा समय में कपास की कीमत 6,380 रुपये प्रति क्विंटल है और यह कीमत काफी कम है, इससे कपास उत्पादक किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार को एक लेटर के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लेटर में काफी अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। आशीष शेलार ने बांद्रा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। नासिक के मालेगांव से BJP के नेता अद्वे पाटिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। उत्तर महाराष्ट्र की राजनीति में अद्वे पाटिल के परिवार का बड़ा दखल माना जाता है और इस घटनाक्रम को BJP के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। पाटिल ने कहा कि उन्होंने BJP के सामने किसानों का मुद्दा उठाया था, लेकिन जब BJP ने मदद नहीं की तो शिवसेना से जुड़ने का फैसला किया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मलाड इलाके में स्थित एक मैदान से टीपू सुल्तान का नाम हटा दिया गया है। पिछले साल इस मैदान के नाम को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और BJP लगातार इसका विरोध कर रही थी। अब महाराष्ट्र की नई सरकार ने महाविकास अघाड़ी द्वारा लिए गए इस फैसले को बदल दिया है। बताया जा रहा है कि इस मैदान का नाम अब बदलकर क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखा जा सकता है।